हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिला के पुलिस अधीक्षक जयदेव यादव की ओर से चलाए जा रहे विशेष गिरफ्तारी अभियान के तहत खंबाल सरहद पर स्थित रंगधाम आश्रम में करीब 2 साल पूर्व 8 अगस्त 2016 को श्रद्धालुओं के सोने चांदी के साथ जेवरात व नकदी की लूटपाट करने वाले व हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार आरोपी को सिरोही पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सीओ विक्रम सिंह के निर्देशन में कोतवाली थाना अधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने उदयपुर जिले के मंडावा थाने के आरोपी रावी गेमती को बिच्छीवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। वह अपने परिवारजनों व रिश्तेदार से संपर्क में नहीं रहकर वेश बदलकर बिच्छीवाड़ा में छुपकर रह रही थी और मजदूरी कर गुजारा कर रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सिरोही कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी आनंद कुमार ने एक के बाद एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया है। 2016 से बातचीत था हमारे लूट और हत्या में बातचीत था, राबिया धमेती था, इसको काफी प्रयास के बावजूद भी घर छोड़ के निकल गया था, मिल नहीं रहा था। फिर हमने विशेष टीम गठित किया और तकनीकी सहायता से इसे उदयपुर जिले से बिछवाड़ा थाने से इसको प्राप्त किया, जहाँ ये अपना भेष बदल कर किसी अन्य नाम से रह रहा था और मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। और इसके लिए छुपने का इतना शातिर था कि इसने अपने घर वालों से भी 2 साल तक कोई संपर्क नहीं किया था। फिर भी हमने इसको आज गिरफ्तार किया। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।